आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक दिलारी के गांव बहादुरगंज पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 48 किलोमीटर तो ब्लॉक से 20 किलोमीटर है। 1600 वोटों वाले इस गांव की कमान अब्बास ने अपने हाथों में संभाल रखी है। चार वर्षों में क्या क्या विकास यहां पर कराया है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक दिलारी के बहादुरगंज ग्राम पंचायत में। यहां प्रधान द्वारा काफी विकास अब तक करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। यहां 4 साल आपके कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं लगभग, क्या क्या विकास आपने अब तक गाँव में दिए हैं? विकास छोटी ग्राम पंचायत है, ज्यादा बड़ी ग्राम पंचायत नहीं है। विकास करीब करीब 15-16 रास्ते बनवा दिए हैं। सीसी टैक्स वाला कार्य कराया है, कुछ शौचालय बनवाए हैं। आवास तो 2011 की लिस्ट में एक भी नाम नहीं था हमारे, जो आवास बनवा दिया। आवास नहीं मिले यहाँ, आवास एक भी नहीं मिला है। ODF हो गई ग्राम पंचायत को। ODF कितने शौचालय आपने यहाँ बनवा दिए? हमारे यहाँ 270 बन गए हैं। 270 शौचालय से पूरा ODF हो गया। सरकार की योजनाओं का लाभ यहाँ गाँव में कितने परसेंट लोगों को मिल पाता है? जो उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन जो सरकार ने योजनाएं चलाई हैं गरीबों के लिए मुफ्त में, क्या इनका लाभ गाँव में सभी को दिलवा पाए हैं? सभी को नहीं दिलवा पाए, मेरा बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वहाँ पर दिलवाए हैं। उसमें किसान पेंशन, जैसे विधवा पेंशन, कुछ लोग बहुत परेशान हैं जो नहीं आ पा रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा। कुछ किसान निधि का पैसा था उसके, वो भी बाकी लोग बहुत बचे हैं, कुछ मिल भी गए। हाँ, वो भी बचे हैं। और बाकी जो है कसदन तरीके से ज़्यादा पैसा उसके बाद में दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं। क्योंकि गाँव में जितने गरीब मजदूर ज़्यादा रहते हैं हमारे, सब मजदूर किस्म के आदमी। सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगी हैं हमारे यहाँ, 8-4-5 लगी हैं। कुछ हमारे जो सांसद जी ने कूड़ेदान लगवाए हैं, कूड़ेदान सांसद जी ने भी अभी जो भेजे थे, उसके बाद में इसमें जो कहना ये लाइट है। गांव में सफाई की व्यवस्था कैसी है? सफाई की व्यवस्था भी सही है। हमारे 4-5-6 महीने सफाई कर्मी नहीं था, मगर फिर भी जो है दूसरे गाँव से बुलाने के बाद में सफाई अपने पास से करा। अब जो हमारे यहाँ सफाई कर्मी है, तनाव है, समय पर आता है। यहाँ पर 100 नंबर, 102 नंबर की सुविधा समय पर मिल जाती है। समय पर मिल जाती है। हमारे ठाकुर द्वारा डिलारी करीब में ही, ठाकुर द्वारा भी करीब में ही, हमारे डिलारी भी करीब में ही। स्कूल पर कुछ कार्य करवाए हैं आपने? स्कूल पर वो लगाए हमने जो है टाइल्स वाइल्स लगाने की, और उसकी जो टोट टूटी, और वो जो है उसमें समर सेविल लगवाई, टैंकर उनको लगवाया, उसमें काम उसने करवाया स्कूल में, काफ़ी स्कूल में भी कार्य करवाया। क्या स्कूल में जितना काम आपने करवाया है उससे कुछ फर्क, कुछ बदलाव आपको नजर आया छात्रों की संख्या में, या पढ़ाई का स्तर कुछ बेहतर हुआ, कोई बदलाव शिक्षा में आपने देखा है? शिक्षा में तो बदलाव नहीं आ पा रहा, क्योंकि हमारे हालात बहुत खराब हैं। मास्टर लोग उसके बाद में समय से उसके अपने अपने कामों पर ध्यान दे रहे हैं, ज़्यादातर स्कूल पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्कूल की ज़्यादा हालात हमारी जो समझ नहीं पा रही है, बच्चे भी नहीं है ज़्यादातर, ज़्यादा बच्चे हुए तो इसका कारण क्या? कारण ये है, समय पर कुछ मास्टर लोग भी लापरवाही में हैं। कुछ अपनी दुकानदारी ध्यान सिंह है, वो उसमें दुकान करते हैं, क्या नाम है, चवरपुरा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि शिक्षकों की लापरवाही, लापरवाही इस वजह से शिक्षा में ध्यान नहीं दे रहे हैं हमारे यहाँ बच्चे। उसके बाद में मॉन्टेसरी स्कूलों में जा रहे हैं, बाकी स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं। 2-2, 4-4, 5-5 बच्चे क्या समय समय पर जरूरत पड़ने पर आप वहाँ स्कूल में निरीक्षण करते हैं, जाते हैं? बड़े वो अपने जो है देते हैं, जाते हैं, उन्हें टाइम भी देते हैं, बड़े वो लोग अपने जो है कर अपनी मदद कर रहे हैं जल्दी कर। यहाँ पर सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा बारात घर है, हमारे पंचायत घर भी है, गल्ला स्टोर की जगह भी पड़ी हुई है, खेल का मैदान भी है, पर हमारे पंचायत घर भी नहीं बना हुआ है, जगह पड़ी है, जगह पड़ी है हमारी, पंचायत घर की जगह पड़ी हुई है, खेल का मैदान इस जगह है पड़ी हुई है, पर उसमें कोई सरकारी आंगनवाड़ी केंद्र है, आंगनवाड़ी केंद्र है। अब अपने गाँव को सुंदर बनाने के लिए क्या प्रमुख समस्या आप रखना चाहेंगे सरकार से? हम तो यही कहते हैं, ज़्यादा तो सरकार पैसा देवे तो गांव के अंदर भी कच्चे जो रास्ते रह रहे हैं वो रास्ते अपना जो है बन जाए। कितना मीटर रास्ता यहाँ अभी और कच्चा होगा, कितने मीटर सीसी से पक्का हो जाएगा? करीब हमारे यहाँ 700 मीटर करीब और बाकी रह गया, 700 मीटर करीब है जो हमारे सीसी टेस्ट। कितने परिवार यहाँ ऐसे होंगे अभी जिन्हें आवासों की जरूरत है? हमारे यहाँ तो 2002 के लिस्ट में जब मैं प्रधान था, 2002 में बना था, तो उसी में 2000 में लिस्ट बनी थी, उसमें जो 40-50 नाम थे वही नाम। 2002 से लेकर अब तक क्या लगातार आप गांव के प्रधान बनते आ रहे? हम 2002 से 2010 तक रहे, 10 तक जब जो है
अब ये 15 जो है 15 से बने थे ना, बीच में जो है वो दूसरा लड़का एक बना था, तीसरी बार आप गांव के प्रधान बने, तीसरी बार प्रधान बने। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास प्रधान द्वारा यहाँ गांव में करवाया गया है, सीसी टाइल्स कार्य वगैरह, शौचालय से भी ये गाँव ODF हो गया है, आवास यहाँ लोगों को नहीं मिले हैं, अभी काफी गरीब परिवार यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवासों की आवश्यकता है। यहाँ पर जो प्रमुख समस्या देखने में आई है, सामने आई है, बारात घर पंचायत घर को लेकर है, जिसके लिए प्रधान मांग रखते हैं। यहाँ ग्राम समाज की भूमि मौजूद है लेकिन पंचायत घर का अभी तक कोई निर्माण नहीं है। अशरफ अली के साथ मैं आज ही टुडे 24 से।